अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने संभागायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। लंबित 16% महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने, लंबे वक्त से लंबित एरियर्स की राशि का भुगतान किए जाए और पदोन्नति पर लगी रोक को हटाया जाए। अधिकारी एवं कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए, नहीं तो अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। प्रदेश शासनिक कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से 16% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है, शासकीय आवास भत्ता कम मिल रहा है, पदोन्नतियों पर रोक लगी हुई है। इन 15 बिंदुओं की मांगों को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन संभागीय आयुक्त महोदय को सौंपा गया है। कर्मचारी संघ ने मांग की है कि कर्मचारी समस्याओं का तत्काल निदान किया जाए, अन्यथा कर्मचारी सड़कों में आकर के आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अटल उपाध्याय, जिला अध्यक्ष, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में आज मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में माननीय संभाग आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है लंबित 16% महंगाई भत्ता, विगत समय दिए गए जो हमारे वेतन वृद्धि थी उसका एरियर्स आज तक नहीं दिया गया, पदोन्नति पर रोक लगी हुई है और अन्य हमारी जो विसंगति है वेतन संबंधित और अन्य हमारे जो कर्मचारी अधिकारियों की जो मांग है उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि कृपया हमारे अधिकारी कर्मचारियों का जो संयुक्त मोर्चा उसकी बातों पर ध्यान दें और अगर ये मांगें हमारी तय समय में नहीं मांगी गई तो संयुक्त मोर्चा भविष्य में और रणनीति तैयार कर शासन के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत करेगा। मैं देव दोनेरिया, सचिव संयुक्त मोर्चा जबलपुर। वॉइस ऑफ राइट्स के जबलपुर, साशी श्वात्रे की रिपोर्ट।